ठीक है सर, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखेंगे, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है कि अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास एक्सटेंडेड, इधर ओरिजिन है, मतलब अगर मैं स्पेस सेलेक्ट करूंगा तो उसका पर्टिकुलर एक ओरिजिन वो आ जाता है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस कौन सा है, वो बता रहा है, क्लियरली बता रहा है यहाँ पे। लेकिन ना मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे अकॉर्डिंगली सेट करना है, तो उस कंडीशन में कहाँ पे जाना है, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड आपको पहले क्या सेलेक्ट करने को बता रहा है, ओरिजिन, मेरे को मेरे अकॉर्डिंगली ओरिजिन सेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर क्लिक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला सेट कर रहा हूँ। अभी एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला रेड कलर में दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस दिख रहा है, बट मेरे को एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में चाहिए और वाई एक्सिस मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, बन रहा है क्या, एक्स एक्सिस ग्रीन कलर का, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अप डाउन, गो फॉर अप, है क्या समझ में। अभी ये मेरे अकॉर्डिंगली सेट हो गया, अभी मैं मेरे अकॉर्डिंगली, तो दिस इज योर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर नेक्स्ट वाला आता है आपका पॉइंट। तो पॉइंट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले सेंटर ऑफ फेस, अभी ये चाहिए रेक्टेंगुलर फेस रहने दो, अभी इसका डिस्टेंस नहीं पता है मेरे को, बट इसका सेंटर के अंदर क्या चाहिए मेरे को, डायरेक्टली एक पॉइंट चाहिए, सेलेक्ट द फेस, आर आई के सेंटर ऑफ द फेस, गो फॉर ओके। एंड नेक्स्ट क्या आता है आपका, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा कि इन केस मेरे पास दो लाइन रहेंगे जो कि इंटरसेक्ट हुआ हुआ नहीं रहेगा, इधर से इधर एक लाइन, इधर से इधर एक लाइन, बट कंडीशन क्या है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और इसको एक्सटेंड करूंगा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे ना, तो वो पॉइंट मेरे को चाहिए, तो वो पॉइंट मेरे को चाहिए, तो उस कंडीशन में कहाँ पे जाना है, रेफरेंस पॉइंट के लिए जाना है, एंड गो फॉर इंटरसेक्शन, सेलेक्ट द रेफरेंस लाइन, तो वो पॉइंट आ जाएगा, आ रही क्या। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन मतलब सिमिलरली आपको सिर्फ क्या करना है, पॉइंट को दिखाना है कि यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्शन करना है, तो इसका ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल रहता है प्रोजेक्शन, तो इधर चाहिए मेरे को क्लिक करो, या इधर चाहिए क्लिक करो, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ये ऑन पॉइंट भी क्या है, सिमिलर रहेगा, आपको लाइन को सेलेक्ट करो या तो पॉइंट को सेलेक्ट करो, वही डिपेंड कर रहा है ना, मतलब लाइन को सेलेक्ट कर रहे हो तो हो रहा है क्या, नहीं, उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, पॉइंट चाहिए, अरे समझ में, आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम ही रहेंगे, प्रोजेक्शन मतलब डायरेक्टली आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, ऑन पॉइंट मतलब ऑन पॉइंट के ऊपर ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आर्क सेंटर, आर्क सेंटर मतलब अगर आपके पास कोई सर्कुलर रहता है, ठीक है, अगर इसको ही मेरे को सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, फिलेट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, फुल राउंड फिलेट, ये याद है, फिर फेस नंबर वन सेलेक्ट, फेस नंबर टू सेलेक्ट, फेस नंबर थ्री, आया फुल राउंड। अभी इस आर्क का सेंटर चाहिए, इसका क्या चाहिए मेरे को, सेंटर चाहिए, तो वापस से रेफरेंस पॉइंट के लिए गया, ये भी आर्क ही है ना मेरे को, तो आर्क सेंटर के लिए जाऊँ, आर्क कौन सा है मेरा, ये वाला आ गया क्या, आर्क का सेंटर, तो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, दिस आर योर रेफरेंस पॉइंट, क्लियर है। तो लास्ट वाला क्या है, इट इज जस्ट फॉर इंडिकेशन कि आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको, दिख रहा है क्या सेंटर ऑफ मास, आया समझ में। तो ये क्या होते हैं आपके रेफरेंस ज्योमेट्री, क्लियर है।